मित्रों, स्वागत है आप सभी का अंशीय डिजिटल क्लासरूम में। मैं शिवदयाल धाकर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप सभी तैयार हो जाइएगा मेरे साथ वापस आज की क्लास के आज की क्लास के लिए लाइव। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भारत। आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइएगा ताकि अपन आगाज करते हैं आज की क्लास के जो क्वेश्चंस है अपने कंप्लीट एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल सभी के क्वेश्चन आपको बारी बारी से यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए आप फटाफट फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए। सबको राम राम, महेंद्र राधे राधे, प्रताप सिंह राम राम, मीनाक्षी राधे, सबको यहाँ पर मेरी तरफ से, अंशीय की तरफ से सबको राधे राधे। सब फटाफट फटाफट एक बार लाइव जो क्लास है इसका जो अपना ये सेशन है इसको शेयर कर दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार सभी क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सबका स्वागत है, सबका तहे दिल से स्वागत है। आप जल्दी से फटाक से मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। चलो तो आगाज करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्या क्वेश्चन है पढ़िएगा। पहला ही क्वेश्चन एक इंस्टीट्यूट से अपन ने स्टार्ट किया है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय स्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केट एंड इंस्पेक्शन इज सिचुएटेड का नई दिल्ली में है, क्या नागपुर में है, क्या फरीदाबाद में है, क्या फरीदाबाद में है, यहां पर क्या कानपुर के अंदर है, बताइएगा। यहां पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपको ये पढ़ाया होगा। एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये नई दिल्ली के अंदर है, क्या नागपुर के अंदर है, क्या फरीदाबाद के अंदर है, क्या कानपुर के अंदर है, दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, दीजिएगा इसका राइट आंसर। आपको पढ़ाया होगा ये क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी आंसर्स देंगे और भेड़ चाल नहीं चलनी है अपने को, अपना आंसर खुद का आंसर होना चाहिए अपने को, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके चलो, तो यहां पर आंसर्स जो है आना स्टार्ट हुए। सुनील जैन का सी, यहां पर मुकेश मीणा का तीसरा, अनुभव का तीसरा, मोनिका का तीसरा, मुकेश का तीसरा, यहां पर तीसरा जो ऑप्शन है आंसर की शुरुआत तीसरे ऑप्शन से, तीसरे से तीसरा स्टार्ट हो गया है यहां पर। तो वापिस आज का जो पहला क्वेश्चन है ये भी आपको यहां पर तीसरा ऑप्शन दे रहा है। तो इसका नई दिल्ली में है, अरे मामला प्रोजेक्ट, ठीक है। और दूसरा है अपने यहां पर नागपुर, नागपुर में आपको याद होना चाहिए सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी है, CAL, याद है कि नहीं है, CAL सेंट्रल एक मार्क लेबोरेटरी याद देखनी है, केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला, बड़ा इंपोर्टेंट है, केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। प्रयोगशाला जिसका याद रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और 1937 के अंदर याद रखना है। और यहां पर आपसे पूछा गया है सर तीसरा मत करो, सी बोलो, ओके सी है यहां पर, सी ऑप्शन, देखो यहां पर सी नहीं लिखा हुआ है, तीसरा ही लिखा हुआ है ना, तीसरा ही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल यहां पर हो गया तीसरा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है वो तीसरा ही है। फरीदाबाद जो है आपको याद रखना है, फरीदाबाद जो है वो कहां पर है, हरियाणा के अंदर है, कहां है, हरियाणा में है, हरियाणा स्टेट के अंदर, हरियाणा राज्य में है, यहां पर याद रखना है। और CAL सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी, केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला, ये भी अपने को याद रखना है, ये नागपुर में है, कहां पर है बेटा, नागपुर में है, आपको याद रखना है ये सारी चीजें। ओके तो यहां पर राइट आंसर जो है आप सभी विद्यार्थियों ने दिया है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, सबका तीसरा था यहां पर, सबका तीसरा आंसर था, है ना, सबका तीसरा आंसर था यहां पर। चलो ये पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था। चलो अगला क्वेश्चन, पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती उन्नत किसकी में किसकी है, आपको आंसर बताना है। पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती जो है ये उन्नत किस्में किसकी है, आंसर दीजिएगा। क्या यहां पर देखिएगा, मूंग की, उड़द की, मटर की, चवला की, इन सबके वैज्ञानिक नाम बताओ पहले। तो मूंग का जो होता है विग्ना विग्ना रेडिएटा, क्या सही है,
यहां पर विग्ना रेडिएटा मूंग का नाम होता है बेटा, उड़द का जो होता है विग्ना मूंगो, क्या नाम होता है बेटा विग्ना मूंगो इसका नाम होता है, और मटर का जो होता है पाइसम सेटाइवम, ध्यान रखिएगा पाइसम सेटाइवम याद रखना है। मटर भी दो प्रकार के होते हैं, फील्ड पी और गार्डन पी, ठीक है। और चौला का जो होता है विग्ना, विग्ना यहां पर याद रखेंगे है ना, अंजीकुलेटा याद रखेंगे, अंजीकुलेटा कुलेटा यहां पर याद रखेंगे, या एक और होता है विग्ना, विग्ना साइनेंसिस याद रखिएगा, विग्ना साइनेंसिस। और ये सारी की सारी जो है फसलें है ना, ये आपको याद रखना है, ये खरीफ की फसलें हैं। किसकी है बेटा, ये खरीफ की फसलें हैं, ध्यान रखना है, ये खरीफ दलहनी है, ध्यान रखना है, खरीफ दालें हैं, खरीफ दालें जो है दलहनी अपन कह सकते हैं, खरीफ दलहनी फसलें हैं, आपको याद रखना है। अब यहां पर डी 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 बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। कमलेश धाकड़ का डी, मोनिका का डी, मीनाक्षी का यहां पर फोर्थ है, मुकेश का फोर्थ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर आंसर्स आप सभी ने दिए हैं, आपको याद रखना है, ओके चलो ठीक है। तो यहां पर अब पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती इंपोर्टेंट किसमें है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती जो है ये किसकी किस्में है। बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है, बहुत बढ़िया। मटर, हाँ ये थोड़ा सा मटर का याद रखना है, ये रबी में आएगा याद रखना है, बाकी सारी की सारी क्या है खरीफ की दलहनी है याद रखना है। मटर जो है रबी में, अभी रबी चल रहा है और मटर जो है अभी रबी में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर जो मटर है वो रबी का है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, तो इस बार चौथा हुआ तीसरा नहीं हुआ, ओके। तो इस क्वेश्चन का और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक साथ अलर्ट हो जाए है ना, कोई आलस्य के साथ क्लास को नहीं देखेगा, ये नहीं कि रजाई में घुस के बैठ रहे हैं, रजाई में घुस के बैठकर क्लास देखना एक कानूनी अपराध है, तो आप ऐसा अपराध नहीं करें, सब रजाई से बाहर बैठे और एक टेबल चेयर पर बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से क्लास को देखे, आंसर देवे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो कि कौन सी किस्म निमेटोड सहिष्णु है, यानी कि रेजिस्टेंट पूछा गया है, क्या यहां पर ज्योति है, क्या रत्ना है, क्या करण 19 है और क्या राज किरण है, बताइएगा यहां पर, बताइएगा यहां पर एक तरीके से कौन सा राइट आंसर होगा, जो जो कि अपन बात कर रहे हैं, दीजिएगा राइट आंसर यहां पर, आंसर दीजिएगा यहां पर, निम्न में से जो कि कौन सी किस्म निमेटोड सहिष्णु है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिया जा रहा है। देखो जो के अंदर आपको पता है एक निमेटोड से रोग लगता है जिसको कहते हैं मोलिया रोग, क्या कहते हैं मोलिया रोग होता है, इसके अंदर ये एक सूत्रकर्मी जनित रोग होता है बेटा, पोस्टमार्टम कर रहा हूं क्वेश्चन का, देखिएगा सूत्रकर्मी, और इस सूत्रकर्मी का नाम होता है हिटेरोडेरा, क्या होता है हिटेरोडेरा एबिनी नाम होता है, ये अपने को याद रखना है एबिनी, ठीक है तो ये आपको याद रखना है। और इसकी खोज याद रखेगा वासुदेव ने, याद रखना है वासुदेव, कौन सा देव, वासुदेव ने, आपको पता है सीकर, सीकर राजस्थान से आपको पता है इसकी खोज की गई थी 1958 के आसपास, याद है कि नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए मोलिया रोग। तो मोलिया रोग का यहां पर एक तरीके से बताया गया है आपको कि मोलिया रोग जो है इससे रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, बिल्कुल यहां पर, बिल्कुल यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या, यहां पर करण 19, क्या रत्ना, क्या ज्योति, क्या राजकिरण, राजकिरण इसको ध्यान रखिएगा आरडी 387 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ध्यान रखना है आरडी 387 के नाम से भी अपन जानते हैं, ध्यान रखना है ये अपने को याद होना चाहिए, ओके। इसके अलावा देखो आपको पता है इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थियों ने दिया है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सीकर एक तरीके से नीम का खाना, बिल्कुल यहां पर नीम का
थाना लिख सकते हैं, नीमका थाना सीकर, याद रखना है अपने को। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जैसा कि प्यारे रसगुल्लो ने दिया है आंसर। ओके चलो, और इसके अलावा और भी है, आर डी 2052 भी है, आपको याद रखना है, और 2035 भी है, ये भी अपने को याद रखना है, मूलिया रेजिस्टेंट वेराइटी याद रखना है। बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन जो है, कई सारे प्यारे विद्यार्थियों ने सर्दी लग रही है तो सर्दी लगेगी, क्योंकि सर्दी का ही मौसम है, हम गर्मी की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, सर्दी है तो सर्दी लगना स्वाभाविक है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कई सारी विद्यार्थियों ने भी दिया है ना। तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर राइट हो गया। चले आगे की तरफ, हो गया इस क्वेश्चन का जमेला खत्म। चलो, निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल है? ये क्वेश्चन हो सकता है कल की क्लास में भी आया हो तो बताओ। देखिए ये है ना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, जहां तक मुझे पता है कल की क्लास में भी आया होगा। मेवाती जो है ये आपको याद रखना है, मेवात प्रदेश में पाई जाती है, मेवात प्रदेश आपको याद रखना है, मेवात प्रदेश। अलवर भरतपुर की तरफ अपन कह सकते हैं, यहां पर एक भारवाही नस्ल होती है, कैसी होती है ये? अलवर भरतपुर की तरफ अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है, भारवाही नस्ल। साहीवाल जो है भारतीय गायों में सबसे ज्यादा दूध देती है ना, भारतीय गायों में याद रखना है सबसे ज्यादा दूध, गायों में सबसे ज्यादा दूध यदि आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना है, कौन सी देती है? साहीवाल देती है। कौन सी देती है बेटा? साहीवाल। इसका दूध आपको पता है सबसे मीठा होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। त्वचा ढीली ढाली होती है, इसलिए आपको पता है लोला, और नेवल केप इसकी प्रमुख विशेषता है, आपको याद रखना है। गिर, जिसको हम रेंडी के नाम से, अरे रेंडी रेंडा याद नहीं है, याद रखना है, बहमान, ये सारे के सारे इसी के नाम है। गिर जो है आपको पता है गुजरात की नस्ल है, गुजरात काठियावाड़ याद रखना है, ये अपने को याद होना, गुजरात जो है, गुजरात गिर फॉरेस्ट एरिया याद रखने हैं, गिर फॉरेस्ट एरिया जो है ये इसका ओरिजिन माना जाता है, जैसा कि कई सारे रसगुल्ले और रसगुल्लियां यहां पर आंसर दे रही है, ठीक है। तो आप यहां पर और देखो, थार पारकर, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्ण रूप से डेजर्ट ब्रीड है, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश जैसा कि इसका उत्पत्ति स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल, मोनिका सिंह ने अजमेरी रेंडा गिर बामान, वाह सर, है ना, शैलेश मेहता सर आई लव यू, ओहो शैलेश ने क्या लिखा है देखिएगा एक बार। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरे उद्देश्य वाली पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है सभी ने डी दिया है, और इसका राइट आंसर जो है वो डी ही होगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये गाय की कुछ नस्लें थी जो आपने सोल्व की है। ओके बेटा, ओके ठीक है। चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉयल जेली उत्पाद है, रॉयल जेली किसका उत्पाद है बताइएगा? लाख कीट का, रेशम कीट का, मधुमक्खी का, और उपरोक्त सभी का। रॉयल जेली इज ए प्रोडक्ट ऑफ, बताइएगा, दीजिएगा राइट आंसर। यहां पर रॉयल जेली किसका प्रोडक्ट है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहां पर सभी का होगा, स्किप कर दिया है यहां पर कुछ बालकों ने, देखते हैं, लाख कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी, बड़ा आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन पूरी एग्रीकल्चर में और भी है ना, ठीक है। चल दीजिएगा यहां पर सी 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 सी, यहां पर रीना का सी, सुमन का सी, मिलन का सी, रजत का सी, सबका सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है एक बार फिर, और तीसरा हुआ है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आंसर जो है इसका भी तीसरा है। देखिएगा यहां पर आपको पता है रॉयल जेली जो होते हैं इसका एक प्रोडक्ट है, याद रखना है, मधुमक्खी का है, यह एक ग्रंथि होती है, हाइपोफेरिंजियल ग्रंथि, हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड्स जो होती है, इससे यह सिक्रेट होता है,
याद रखना है, इस ग्रंथि से ये आपको याद रखना है। रॉयल जेली जो होता है एक मधुमक्खी का एक तरीके से हम कह सकते हैं भोजन होता है, ये क्या होता है भोजन, यहां पर आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यहां पर लेक इंसेक्ट नहीं है, रेशम कीट भी नहीं है, ये याद रखना है। मधुमक्खी, मधुमक्खी की चार प्रजातियां होती है, भारतीय मधुमक्खी होती है, इसके अलावा अपन जायंट मधुमक्खी होती है, इस तरीके से अलग अलग प्रजातियां होती है, आपके इतना डिटेल में नहीं है। इसका राइट आंसर तीसरा। अगला क्वेश्चन, चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किसको काम में लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किनको काम में लेता है, कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, पोएसी, बताइएगा। चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किनको काम में लेता है, दीजिएगा इसका राइट आंसर। कंपोजिटी क्रॉप को लेता है, या लेग्यूमिनेसी क्रॉप को लेता है, या सोलेनेसी को लेता है, पोएसी को लेता है। सोचने का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अब इसके बाद लेवल बढ़ने वाला है बेटा, आगे के क्वेश्चनों में लेवल आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। यह तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ग्रीन मैन्यूर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर मैनली बिलोंग इन राइस फील्ड आपको बताना है, बड़ा इंपोर्टेंट है। हरी खाद की जो फसलें होती है हम याद रखते हैं, हरी खाद में आपको पता है ना, हरी खाद की अपन बात करें, यहां पर एक तो सनई होता है, सनई को क्रोटोलेरिया जुंसिया के नाम से, ढेचा याद रखना है, ढेचा इसका नाम सेसबेनिया रोस्ट्रेटा होता है, आपको याद रखना है रोस्ट्रेटा, ये इस तरीके से सनई का नाम होता है क्रोटोलेरिया, कौन सा लेरिया, क्रोटोलेरिया जुंसिया याद रखना है, ये इसको इसके नाम है। आप में से एक आंसर दोगे, क्वेश्चंस जो है मैं बोल रहा हूं, आप आंसर कमेंट करके बताना, आप मुझे बताओ सनई और ढेचा में से ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी फसल है जिसका उपयोग लवणीय सारीय मृदा के लिए किया जाता है। वापिस, सनई और ढेचा में से एक ऐसी फसल कौन सी है जिसका प्रयोग लवणीय सारीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है, आप आंसर दीजिए। यहां पर महेंद्र का ढेचा, मीनाक्षी का ढेचा, मानु गुजर का ढेचा, यहां पर ढेचा आंसर आ रहा है, बाकी विद्यार्थी भी आंसर दीजिए, सभी ने यहां पर ढेंचा ढेंचा कर दिया है। सनई, पीके मस्त, ये पीके मस्त जो है सनई कर रहे हैं, बाकी सबने ढेंचा दिया है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ढेंचा जो होता है इसके कोशिका का पीएच जो होता है 3.2 से लगभग 4 के आसपास होता है, जो एसिडिक पीएच होता है, इसलिए अपने को याद रखना है कि अब देखो पीएच कम है तो आप मुझे बताओ लवणीय सारी मृदा का पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमें सुधार करना है तो पीएच को कम करना है, और इस ढेचे की जो कोशिका रस है उसका पीएच कम ही होता है, तो हमारे लिए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, कि आपको लवणीय सारी मृदा के अंदर ढेचा ही काम में लेना है, और आपको याद रखना है सबका ढेचा, है ना, सबका ढेचा और अपना ढेचा, आपका ढेचा, ठीक है, किसी का सनई नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने बता दिया है लगभग 3.2 से 4.2 के आसपास होता है, याद रखना है, हालांकि देखो ये रेंज बताई है, बाकी आप एग्जैक्ट याद रखते हो तो 4.2 के आसपास एग्जैक्ट याद रख सकते हो, ओके कोई बात नहीं है, यहां पर रेंज बताई है, बाकी आपको पता है इसका पीएच कम ही होता है, है ना, मैंने आपको एक रेंज बताई है यहां पे। चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा, सोलेनेसी, पोएसी, कंपोजिटी गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कपास की कृष्ण शाखा की बीमारी किसके कारण होती है, ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस पीबी मालवेसियम क्लिविबैक्टर है ना मिचेगेनस जमदम कंपेस्टिस साइमोपोडिसम और स्यूडोमोनास, यानी कि यहां पर ज़ेंथोमोनास है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और आंसर देना है। सर आपका नाम क्या है,
मेरा नाम चलो दीजिएगा कपास की कृष्ण शाखा बीमारी किसके कारण होती है बताइएगा आप इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा यहां पर ए ऑप्शन दिया जा रहा है बहुत बढ़िया इसका फोटो भी दिखा देता हूं मैं आपको देखिएगा इसका फोटो जो है ऐसा होता है देखिएगा इस तरीके से आपको पता है एक तरीके से बैक्टीरियल ब्लाइट होता है इस तरीके से स्पॉट्स बनते हैं इसके अंदर ये इस प्रकार की एक बीमारी होती है और ये बैक्टीरियल बीमारी होती है कौन सी होती है बैक्टीरियल होती है जीवाणु जो जेंथोमोनास याद रखेंगे बेटा जेंथोमोनास जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस कंपेस्ट्रिस याद रखना इंपोर्टेंट है पेथोवार इसका कौन सा हो जाएगा मालवे सीरम कौन सा हो जाएगा मालवे सीरम आपको याद रखना है ये इसका फोटो भी आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं बिल्कुल सभी विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल यहां पर पेथोजन ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा राइट आंसर एकमात्र जो है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीबी मालवे सीरम ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फसल पेडी फसल के रूप में काम में ली जाती है बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पढ़िएगा इसको डबल ए टारगेट गुड इवनिंग ठीक है दीजिएगा आंसर इसका निम्न में से कौन सी फसल पेडी फसल के रूप में प्रयुक्त होती है प्याज बैंगन टमाटर लौकी इनका सबका नाम याद रखना है एलियम ध्यान रखना है एलियम सेपा प्याज का नाम होता है याद रखना है ठीक है और इसके अलावा ब्रिंजल का जो होता है ब्रिंजल का बताओ ब्रिंजल का कौन बताएगा टमाटर का लाइकोपर्सिकोन ब्रिंजल का बताओ देखे एस्कुलेंटम और लौकी का बताओ देखे है ना इन दो का मैं नहीं बता रहा हाँ मीनाक्षी ने बता दिया सोलेनम मेलोंजिना लौकी का बताओ लौकी का इसका तो मैं भी बता सकता था लौकी का बताओ सोलेनम मेलोंजिना मेलोंजिना लौकी का बताओ लौकी 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 ले लो लौकी बताओ यहां पर लौकी का बताओ हा? चलो कोई बात नहीं जिसने भी बताया है लौकी का बताओ लौकी का नाम कौन बताएगा मनीषा ने मेलोंजिना ये एक प्लांट बेटा साइंटिफिक नेम थोड़े है ना साइंटिफिक नेम नहीं है आप ले हैं, इसका बताओ लौकी का बताओ लौकी का नाम अभी तक नहीं आया इसका मतलब लौकी की सब्जी नहीं खाई आप हाँ अब जरूर आ गया है ना लेजिनेरिया इसका नाम होता है लेजिनेरिया सिसेरेरिया लेजिनेरिया सिसेरेरिया है ना ये आपको याद रखना है लौकी का अब यहां पर आंसर क्या होगा आंसर क्या दिया आपने यहां पर पेडी फसल जो है वो कौन सी है प्याज बैंगन टमाटर लौकी पेडी फसल कौन सी है आंसर भी दीजिएगा आंसर दूसरा दिया जा रहा है मेंदर के द्वारा लगातार मेंदर के द्वारा आंसर दूसरा फेंका जा रहा है ठीक है और मीनाक्षी ने भी महेंद्र का साथ दिया है और इन्होंने भी दूसरा आंसर दिया है तो यहां पर दूसरे आंसर की तरफ विद्यार्थी जो है वो यहां पर बढ़ रहे हैं बिल्कुल यहां पर दीप्ति मीना ने भी इनका नाम बताया है और राइट आंसर इसमें बैंगन ही होगा क्या होगा बैंगन याद रखना है बैंगन ठीक है चलो तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड अपन अमरूद आपके लिए अमरूद लाए हैं क्या हाँ अमरूद लाओ आप है ना बिल्कुल आप जिनके घर पे अमरूद है जो सवाई माधोपुर का बच्चा है वो बिल्कुल अमरूद लेके आए है ना मुकेश मीना बिल्कुल अमरूद लेके आओ मुकेश आप जल्दी से जल्दी लेके आओ है ना चलो अगला क्वेश्चन कांगनी मिलेट का दूसरा नाम क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलर्ट हो जाओ आप हृदय से बाहर आ जाओ अब तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है अब बताइएगा यहां पर कांगनी सेटेरिया इटालिका मिलेट का दूसरा नाम यह क्वेश्चन इसलिए लाया गया है क्योंकि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया है बताइएगा यहां पर बताइएगा
यहां पर कांगनी मिलेट का दूसरा नाम फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट, रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बताइएगा मिलेटी मिलेट है। यह क्वेश्चन लाने का सबसे बड़ा कारण आप समझ गए होंगे कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो मोटे अनाजों का मनाया गया है वो याद रखना, मैं लिख भी दे देता हूं यहां पर ठीक है, याद रखना है ना, मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मैं लिख रहा हूं यहां पर, मोटे अनाजों का ये सब मोटे अनाज है, ये सब क्या है, मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है वो याद रखना है 2023 को डिक्लेयर किया गया है ये आपको। और ये यहां पर दिए गए बेटा सारे के सारे यहां पर आपको मोटे अनाज ही है, यहां पर ये सारे के सारे क्या है बेटा, मोटे अनाज ही है। अब इसका आंसर बी ऑप्शन बता रहे, कोडो मिलेट है ना, या फॉक्सटेल मिलेट, या रोसो मिलेट, या फिंगर मिलेट, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, दो दो दो, मानु गुर्जर यहां पर तीसरा दे रहे हैं, पिंकू जो है वो 2023 बता रहे हैं, अच्छा साल बता रहे हैं, ओके ठीक है, मीनाक्षी तीसरा बता रहे हैं, यहां पर मीनाक्षी ने यहां पर सट्टा लगाया है तीसरे पे, देखते हैं राइट जाता है या गलत जाता है, देखते हैं, पार्वती ने भी सी बताया है, सुमित्रा ने भी सी बताया है, कुछ हद तक बच्चे यहां पर तीसरे की तरफ जा रहे हैं ठीक है, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है दिल थाम के बैठिएगा, हृदय से बाहर निकल के बैठिएगा, तब जाके आंसर बताऊंगा। यहां पर इस बार सभी के लपड़ा पड़ गया है ना, लपड़ा जो है अब सोल्व कर देते हैं, नहीं पता तो लीजिएगा इसका आंसर जो है वो तीसरा ही है ठीक है। फॉक्सटेल मिलेट जो है याद रखना है, फिंगर मिलेट तो इल्यूसाना कोर काइना होता है ना, इलुसियाना कोरकाना ठीक है, कोरकाना ये आपको याद रखना है, इन दोनों का नेट पे देखना आप है ना, रोसो मिलेट और कोडो मिलेट याद रखना है, इनका याद रखेंगे यहां पर मेरा सही है, अच्छा महेंद्र का सही है, जिनका भी सही है वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। चलो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लाने के पीछे कारण क्या है बेटा, मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है वर्ष 2023 को, ये सारे मोटे अनाज है, इनके फोटो भी आपको दिख रहे होंगे, ये सब मोटे अनाज है ठीक है, मोटे अनाज। अभी आपको पता है भारत ने G20 सम्मेलन का आयोजन करवाया था, तो उसमें मोटे अनाजों से बनी हुई कई सारी चीजें वहां पर मेहमानों के लिए रखी गई थी, तो आने वाले समय में आपको मोटे अनाजों की कई सारी चीजें मार्केट में देखने को मिलेगी, और मोटे अनाज जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं, इसलिए आप भी सेवन करें और लोगों को भी इनके फायदे बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरनगरी नस्ल है भेड़ बकरी भैंस ऊंट, मुजफ्फरनगरी नस्ल है भेड़ बकरी भैंस ऊंट, बताइएगा यहां पर पहली बार आपने ये नस्ल देखी होगी मुजफ्फरनगरी, बताइएगा यार। हां रागी भी है, बिल्कुल रागी भी है। यहां पर मुजफ्फरनगरी जो है ये किसकी नस्ल है, बताइएगा। संध्या धाकड़ ए बता रहे हैं, संतोष का ए, पार्वती का ए, गौतम मालविया का ए, मुकेश मीना का ए, रीना का ए, मिलन का ए, रीना का ए, विजय का ए, दीप्ति का ए, परमिला का ए, मिलन मीना का ए, संध्या का ए, सुमन का ए, संगीता का ए, भूपेंद्र का सेकंड है, सुमित्रा का ए। यहां पर मुजफ्फरनगरी जो है ये किसकी ब्रीड है, देखते हैं अपने आंसर पे कौन कायम रहता है और कौन अपना आंसर चेंज करता है, इसका मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं। क्या भेड़ की है, बकरी की है, भैंस की है, ऊंट की है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने ये ब्रीड नहीं पढ़ी होगी, अभी आपको फोटो भी दिखा दूं। कुछ बच्चे यहां पर तीसरा भी डाल रहे हैं, कुछ दूसरा भी दे रहे हैं,
कुछ पहला भी बी एन इवेंट इन्होंने पहला बताया। तो अब दिल थाम के बैठिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो याद रखना, क्या ऊंट होगा, क्या भैंस होगी, क्या बकरी होगी, क्या भेड़ होगी, अभी भी आंसर नहीं आया है। तो इसका मतलब आंसर अब बताना ही पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो है बेटा, अब यहां पर बी ऑप्शन भी कई सारे बच्चे दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना बकरी ना भैंस ना ऊंट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। भेड़, भेड़ आपने इतनी सारी नस्लें पढ़ी, लेकिन मैं ऐसी नस्ल ढूंढ के लाया हूं जो आपने नहीं पढ़ी। अब इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये रही वो भेड़ जिसका आपको इंतजार था, ये है मुजफ्फरनगरी, ठीक है। तो ये आपको एक प्रकार से बकरी की है, भेड़ की है, भेड़ लग रही है, बकरी लग रही है। चलो यहां पर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, बीटी कपास के खेत में रिफ्यूजा की बिजाई का सेक्टर कितना रखा जाता है, बताइएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर बीटी कपास के खेत में रिफ्यूजा की बिजाई का सेक्टर कितना रखा जाता है, बताइएगा। यहां पर 8%, 10%, 20%, 25%, आंसर दीजिएगा इसका, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीजिएगा इसका आंसर। बताइएगा इसका राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के, कि यहां पर बीटी कपास के खेत में रिफ्यूजा की बिजाई का कितना प्रतिशत आपको पता है तो बताइएगा। यानी कि रिफ्यूजा इस टेक्निक में होता क्या है, देखो बीटी कपास के खेत में डेस 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 प्रतिशत सामान्य कपास के पौधे लगाए जाते हैं, है ना, सामान्य कपास के पौधे लगाए जाते हैं। यानी कि यहां पर आपको पता है रिफ्यूजा टेक्निक के अंदर होता क्या है, कि बीटी कपास के खेत में सामान्य कपास के पौधे लगाए जाते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके बचाव से यहां पर नॉर्मल किस्म लगाते हैं, बिल्कुल यहां पर कीटों से बचने के लिए, बिल्कुल यहां पर आपको पता है जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं इनसे बचने के लिए लगभग। ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपने इसको रट रखा है, पढ़ रखा है तो अच्छे से, है ना। तो यहां पर एक तरीके से बात करें यहां पर, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 8% नहीं होगा, 10% नहीं होगा, 20% इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है बीटी कपास के खेत में 20% सामान्य कपास के पौधे लगाए जाते हैं। कई सारे विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर दिया है, राजस्थानी बेटी इन्होंने अपना आंसर उड़ा दिया है, चलो ओके। तो यहां पर आपको पता है यहां पर तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद इसी की है कि आप ऐसे ही एग्जाम में आंसर टिक करके आओ। देखो भेड़ चाल नहीं चलनी है ना, आपको क्या करना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको अपना आंसर तय करना है कि मेरा आंसर यह है और यही रहेगा। यह नहीं कि किसी ने तीसरा दिया आपने पहले को कन्वर्ट कर दिया तीसरे में, यह आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस एग्जाम में डगमगाएगा इस तरीके से। तो आप अपने आंसर पे कायम रहे, गलत होता है तो उसको सही करने का प्रयास कीजिए, वो उसको रजिस्टर से वापिस पढ़िएगा, लेकिन अपने आंसर पे अडिग रहना सीखिएगा। ओके बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल। चलो यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे, किस जीएम फसल की संसार में सर्वाधिक खेती, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, दीजिएगा इसका आंसर। किस जीएम फसल की संसार में सर्वाधिक खेती हो रही है, टमाटर सोयाबीन तंबाकू कपास, एक से बढ़कर एक यहां पर, यहां पर आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर यहां पर राइट है आपका,
किस जीएम फसल की संसार में सर्वाधिक खेती हो रही, टोमेटो, सोयाबीन, तंबाकू, कपास। विजय का यहां पर सोयाबीन, टिंकू का यहां पर तीसरा, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, अनुवांशिक रूपांतरित फसल। दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बच्चा डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई पहला दे रहा है। देखते हैं, जानते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखिए, आपको पता है तीन फसल जो है प्रमुख रूप से, मैं आपको इसका बायोडेटा बताता हूं। सबसे पहले तंबाकू की बात करते हैं, आपको पता है ये 1987 में प्रथम फसल थी, आपको पता है प्रथम अनुवांशिक रूपांतरित फसल थी, अपन जीएम क्रॉप प्रथम फसल, ठीक है। ये अपन यहां पर समझ सकते हैं, यहां थोड़ा शब्द जेनेटिकल रूपांतरित, याद रखे अनुवांशिक रूपांतरित फसल होता है जो बीटी बीटी होता है ना वो। उसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन जो है आपको पता है सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है। क्या है ये? सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है विश्व में, सर्वाधिक उगाई, याद रखना है। ये कहां की बात कर रहा हूं बेटा? ये विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपको पता है यहां पर कपास की बात करते हैं, कपास जो है ये विश्व में 1996 में और भारत में 2002, और भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, भारत में कपास, भारत में सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। यदि आपसे विश्व में पूछा जाए, विश्व में पूछा जाए बेटा, तो विश्व में तो कौन सी हो जाएगी? सोयाबीन हो जाएगी, याद रखना है। और कभी जीवन में भारत में पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? कपास हो जाएगी। अब यहां पर देखिएगा, संसार पूछा गया है, संसार मतलब विश्व की बात कर रहा है, और विश्व की जब बात कर रहा है तो यहां पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है यहां पर, राजस्थानी बेटी, महाराष्ट्र इन्होंने बताया है, ओके चलो, महाराष्ट्र में कपास की हो रही है, बिल्कुल पार्वती। इसके अलावा मुस्कान ने 2002, ओके चलो, जो भी है यहां पर सबका आंसर एक ही आना चाहिए था, वो कौन सा है? सोयाबीन। कौन सा बीन? सोयाबीन। तो बजा दे सबकी बीन, वो है सोयाबीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। हर एक अपने आप में तगड़ा और नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, आप पढ़िएगा समझिएगा। राष्ट्रीय समन्वित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कब स्थापित हुआ? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, बताइएगा, ये आपको बताना है। यहां पर कीट विज्ञान से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, राष्ट्रीय समन्वित नासी जीव प्रबंधन केंद्र। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है ना। अब बहुत सारे इसमें भी तुक्का मार देंगे, मिस्टर संदीप मीना का ए, महेंद्र का स्किप हो गया, पार्वती का ए, आपको ये आता है तो ही कीजिएगा आप। रीना का ए, मुकेश मीना का ए, संतोष का तीसरा, मिलन यहां पर पहला बता रहे हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना, आईपीएम जो होता है। हाँ सर, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको तुक्का नहीं मारना है। देखो, नए क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना है, इन नए क्वेश्चनों को आप रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। आपको नहीं आता है तो तुक्के से काम नहीं चलाना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अप्रैल 99, यह भी गलत है, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा फरवरी 1988, लगभग 12 फरवरी के आसपास, याद रखना है 12 फरवरी 1988। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, याद रखना है। इसकी स्थापना 12 फरवरी 1988 जो है, इसका राइट आंसर है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरीके से फरवरी 1988 ए ऑप्शन इसका राइट निकल जाएगा। अब जिसको नहीं आया है वो थोड़ा सा इसको लिख लेना कॉपी के अंदर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने नहीं पढ़ा है तो लिख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, आम के तनों पर चारों ओर चिपचिपा बैंड लगाने से किस कीट से बचाव हो जाता है? बताइएगा, फल मक्खियां, छाल भक्षक कीट, मिलीबग, आम का होपर, बताइएगा। लिख लिया, ओके, दीजिएगा आंसर। यहां पर क्या है, आम के तनों पर चारों ओर चिपचिपा बैंड लगाने से किस कीट से बचाव होता है? देखिएगा, इन मैंगो स्टिकी बैंड्स अराउंड ट्री ट्रंक्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बताइएगा किससे बचाव होता है? यहां पर राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, फल मक्खियां, छाल भक्षक कीट, है ना, बार्क इटिंग कैटरपिलर्स, आम का होपर। आम का होपर ध्यान रखिएगा, आम का सबसे नुकसानदायक कीट, आम का सबसे, पढ़ाया था मैंने, सबसे नुकसानदायक कीट, नुकसानदायक कीट होता है, नुकसानदायक कीट, ओके बेटा। और दूसरी चीज, इसका नाम जो होता है आपको याद रखना है, और इसका एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर सी ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं मिलीबग की बात की जा रही है, ड्रोस्टिका मेंजीफेरा, यहां पर राइट आंसर की अपन बात करें तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन ही जाएगा। इसका डायग्राम बता देता हूं, देखो इस तरीके से, इस तरीके से आपको पता है कि जैसे ये आम का एक तरीके से क्या है, तना है, इस तने के चारों तरफ आपको पता है ग्रीस लगी हुई, हम यहां पर पॉलीथीन की पट्टी यहां पर चिपका देंगे। तो आप देखिएगा यहां पर एक तरीके से, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैंने आपको यहां पर एक तरीके से आपको मैंने डायग्राम दिखाने की कोशिश की है, देखो आपके मोबाइल पे आ रहा होगा, क्लियर दिख भी रहा होगा। ये तना है, इस तने के चारों तरफ हमने क्या है, एक ऐसी पॉलीथीन लपेटी है बेटा, जिस पर एक चिपचिपा पदार्थ, या मैं कह सकता हूं ग्रीस या ऑयल जो है इस पे लगा होता है। अब इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है वो जमीन से बाहर निकलकर ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जब जाता है तो ये क्या करता है, इसकी जो अंकुरित या अपन कहें न्यू टहनियां जो होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। तो आपको पता है जब ये ऊपर की ओर सोयल से निकल के ऊपर की ओर जाता है तो इसके पेड़ वगैरह या मैं कहूं इंसेक्ट इस पे चिपक जाता है, और जब इस पे चिपक जाता है तो आपको याद रखना है एक तरीके से ये ऊपर की ओर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर नहीं जा पाता है तो आपको पता है इसकी रामलीला खत्म हो जाती है, इसकी रामलीला क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह का जो होता है इसको कहते हैं ट्री बेंडिंग टेक्निक, नाम लिखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं ट्री बेंडिंग टेक्निक। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं ट्री बेंडिंग टेक्निक, याद रखना है। ट्री बेंडिंग जो टेक्निक होती है, याद रखना है इसका नाम होता है। और ये जो बचाव होता है ये किससे होता है, ये आपको पता है आम का मिलीबग, किससे होता है बेटा, आम का मिलीबग जो होता है इससे बचने का यहां पर एक तरीका होता है, ये आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चलो यहां पर आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिली बग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट निकल जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। अगला क्वेश्चन, नींबू वर्गीय फलों में हरित विषाणु बीमारी किसके द्वारा फैलती है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों में हरित विषाणु बीमारी किसके द्वारा फैलती है, आपको बताना है। नींबू की सफेद मक्खी, नींबू का सिल्ला, नींबू का लाल स्केल कीट, कॉटन कुशन स्केल, बताइएगा। यहां पर एक तरीके से हरित विषाणु बीमारी, इस हरित विषाणु बीमारी को याद रखेंगे, हरित विषाणु बीमारी, हरित विषाणु विषाणु बीमारी बीमारी, इसका एक नाम और होता है बेटा, इसको कहते हैं एचएलबी, HLB, हॉगलिंग ब्लिंग भी इसको अपन कह सकते हैं। ये एक प्रकार से आपको याद रखना है अपने BLO बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म इससे होता है। अब इसके अंदर आपको ये बताना है एक तरीके से ये किससे फैलता है, तो यहां पर बी ऑप्शन दिया जा रहा है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है
सिट्रस साइला जो है ये इसका राइट आंसर है। ये इसका एक वाहक होता है, ये किसका काम करता है बेटा, ये जो विषाणु होता है, विषाणु यहां पर इसका पैथोजन बताया गया है तो इसके लिए वाहक का काम करता है, और इसके लिए वाहक का जब काम करता है तो इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन पोषक तत्वों में से कौन सा मूंगफली के फल सेक्टर द्वारा अवशोषित किया जाता है बताइएगा, नाइट्रोजन, लोहा, चूर्णातु, जस्ता, बताइए इन पोषक तत्वों में से कौन सा मूंगफली के फल सेक्टर द्वारा अवशोषित किया जाता है। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मूंगफली के फल सेक्टर द्वारा कौन सा अवशोषित किया जाता है, मुस्कान धाकड़ का तीसरा आया है, पार्वती का तीसरा, नीलम राठौर का तीसरा, संतोष का तीसरा, संगीता का तीसरा, ज्यादातर विद्यार्थियों ने तीसरा आंसर यहां पर चूज किया है। देखो आपको पता है इसके अंदर मूंगफली के अंदर आपको पता है जिप्सम का बड़ा रोल होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है, जिप्सम जो होता है लगभग इसमें 23.2% के आसपास कैल्शियम होता है, और यूं कहा जाता है कि जिप्सम जो है मूंगफली को बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो जब जिप्सम अपन इसको देते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से आपको पता है मूंगफली के अंदर एक तरीके से पेगिंग का निर्माण यानी कि दानों का निर्माण नहीं होता, दानों का निर्माण नहीं होता है, तो आपको पता है इसमें एक तरीके से हम बात करें जिप्सम देते हैं, और जिप्सम जो देते हैं वो आपको पता है कैल्शियम प्रोवाइड करता है, क्या करता है, कैल्शियम, याद रखिएगा कैल्शियम यहां पर, ठीक है, यहां पर कैल्शियम, और बिल्कुल यहां पर राइट आंसर कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है पॉपिंग, बिल्कुल पॉपिंग जिसको अपन कह सकते हैं, दानों का निर्माण नहीं होता है, तो यहां पर जस्ता नहीं होगा बेटा, आयरन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, यहां पर याद रखना है कैल्शियम, याद रखना है कैल्शियम जो होता है मूंगफली के फल सेक्टर द्वारा बहुत ज्यादा यहां पर ग्रहण किया। आप क्वेश्चनों की लैंग्वेज देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से भी दिए जा सकते थे, लेकिन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन की शब्दावली चेंज की गई है, और शब्दावली चेंज की है तो आपको लंबी तैयारी करते हो गया, तो आपका आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल पॉपिंग जिसको अपन कह रहे हैं यहां पर, बिल्कुल पॉपिंग, ध्यान रखिएगा पॉपिंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक गैर चयनात्मक शाकनाशी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन सिलेक्टिव 2,4-D, याद रखिएगा 2,4-D है, पेंडीमेथालीन है, आइसोप्रोपियोन है, ग्लाइफोसिनेट, एमोनियम, बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन सा गैर चयनात्मक है, नॉन सिलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, यहां पर 2,4-D जो होता है ये वीट फील्ड के अंदर यूज होता है, आपको याद रखना है लगभग आधा किलो के आसपास, पेंडेमिथिलीन जो होता है लेग्यूम क्रॉप के अंदर यहां पर काम में लिया जाता है, आइसोप्रोटीरियन यही अपने गेहूं के अंदर काम में लिया जाता है, यहां पर आपको बताना है डी ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा डी ऑप्शन दिया जा रहा है, डी बिल्कुल सही भी है, आपको पता है ना नॉन सेलेक्टिव, मैंने कल भी बताया था आपको डाइक्वाट होता है, डाइक्वाट, ठीक है, इसके अलावा पेराक्वाट, पेराक्वाट होता है, पेराक्वाट, वीड ऑयल, वीड ऑयल जो होता है ये, और एक ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट की अपन बात करें तो ये याद रखना है ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट जो होता है ना बेटा ये नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड होता है, चयनात्मक नात्मक नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड स्थानांतरित, स्थानांतरित होता है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार सुपरवाइजर में आ सकता है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम बताइएगा, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम बताइएगा, ग्लाइसिन मैक्स, रिसिनस कम्युनस, कार्थेमम, टिंकटोरियम, हेलियंथस एनस, बताइएगा
यहां पर चार फसलें दी गई है, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम बताना है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। यहां पर सूरजमुखी का, इसका मतलब यहां पर गलत होने का मतलब है कि आप लोगों ने कमजोर तैयारी कर रखी है। डी ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, मुस्कान का डी, विजय का डी, करीना का डी, कृष्णा जाट, सविता मीना का डी, सुमन का फोर, राजस्थानी बेटी डी, भूपेंद्र का फोर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पर ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोयाबीन का नाम हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। रिसिनस कम्युनस ये अरंडी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अरंडी का। कार्टेमम टिंक्टोरियम ये कुसुम का, ये क्वेश्चन जेट में कई बार पूछ लिया गया है, कुसुम का नाम। और ये जो हो जाएगा आपको याद रखना है, सूरजमुखी का हो जाएगा। सूरजमुखी, कमेंट करके बताइएगा कुसुम और सूरजमुखी किस कुल के सदस्य है, किस कुल के मेंबर है, फटाक से कमेंट कीजिएगा और जीतिएगा आज का इनाम। बताइएगा सूरजमुखी और कुसुम जो है ये किस कुल के हैं, बताइएगा। यहां पर कॉम्पोजिटी यहां पर आंसर दिया जा रहा है, बाकी विद्यार्थी भी आंसर दीजिए। यहां पर सूरजमुखी और एक तरीके से कुसुम जो है कॉम्पोजिटी कॉम्पोजिटी कॉम्पोजिटी। इनाम इनाम आपके खातों में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जैसा कि कई सारे विद्यार्थियों ने यहां पर दिया है, ठीक है। चलो यहां पर राइट आंसर जो है आपको याद रखना है, फर्स्ट ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, रेसिनस कम्युनस अरंडी, और कार्तेमम टिंक्टोरियम कुसुम, और हेलियंतस एनस सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, गेहूं के फल को वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है, बताइएगा। यहां ना कॉम्पोजिटिया एस्टेरेसी, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही है। चलो चलिएगा यहां पर जल्दी से चलिएगा, देखिएगा यहां पर क्या राइट आंसर है। अगला आपके स्टिलिकुआ, पोड, कैरियोप्सिस और कैप्सूल, बताइएगा। यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पर गेहूं के फल को वैज्ञानिक रूप से, सिलिकुआ जो होता है ये सरसों के नाम, ये सरसों मस्टर्ड याद रखना है, या हम एक और कह सकते हैं मूली का भी होता है, या हम बात करें एक तरीके से कोल क्रो, वो भी वर्गीय सब्जियां जो होती है उनका भी सिलिकुआ होता है, याद रखना है। पोड जो होता है ये दलहनी फसलों का होता है, किससे होता है बेटा? दलहनी फसलें जो होती है उनका होता है, याद रखना है दलहनी फसल। कैप्सूल जो होता है ये आपको याद रखना है, जैसे अपन कपास की बात कर सकते हैं, है ना, आंवले की बात कर सकते हैं, आंवला इसकी बात कर सकते हैं, रतन ज्योत की बात कर सकते हैं, रतन ज्योत औषधीय पौधा होता है, इस सब गोल की बात करते हैं, इस सब गोल जो है इसका भी हो सकता है कैप्सूल, इन सबका कैप्सूल होता है। कैरियोप्सिस जो होता है ये ग्रेमिनी कुल की सदस्य जो होते हैं, ग्रेमिनी कुल के मेंबर जो होते हैं, ग्रेमिनी कुल या घास कुल जिसको अपन कह सकते हैं, जिसमें गेहूं वगैरह, गेहूं मक्का चावल ये सब आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। तो गेहूं का फल जो वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जानते हैं? कैरियोप्सिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी अपने अनाज वाली फसलों का जो है कैरियोप्सिस ही होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस, याद रखिएगा, अनाज वाली फसलों का क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रूम रेप के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रूम रेप के नाम से किसे जाना जाता है? ल्यूकस एस्पेरा, ओरोबेंकी रमोसा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ट्राइएंथेमा पोर्टलाकेस्ट्रम। ब्रूम रेप, बताइएगा। चार प्रकार के आपको पता है यहां पर खरपतवार, ये अपने बात करें वीड होते हैं, सी एल ओ एस, यहां पर सी कस्कुटा है ना, इसको डोडर के नाम से भी जानते हैं, डोडर
ये आपको याद रखना है। इसको डोडर के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है, इसको अमर बेल के नाम से भी अपन जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। लोरेंथस, लोरेंथस को हम किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं बड वाइन, क्या कहते हैं, बड वाइन के नाम से जानते हैं। ओरो बैंकी जो है, ओरो बैंकी, ओ फोर ओरो बैंकी, क्या ओरो बैंकी को कहेंगे, इंतजार रहेगा। स्ट्राइगा, स्ट्राइगा को हम कहते हैं विच वीड, क्या कहते हैं, विच वीड या रूकड़ी के नाम से जानते हैं, रूकड़ी एक नहीं है, रूकड़ी के नाम से अपन जानते हैं। ये आपको पता है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी होता है बेटा, पूर्ण तना परजीवी, ये अर्ध तना परजीवी होता है, अर्ध तना परजीवी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूर्ण जड़ परजीवी होता है, पूर्ण जड़ परजीवी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये लास्ट वाला अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी होता है, ये भी अपने को याद रखना है। तो ये एक प्रकार से क्या है, खरपतवार नाशी हो गए, बिल्कुल यहां पर एक तरीके से अपन बात करें तो ओरो बैंकी को ही हम क्या कह सकते हैं, ब्रूम रेप के नाम से, और ये आपको याद होना चाहिए। पार्थेनियम स्टेरोफोरस एक प्रकार की गाजर घास होती है, क्या होती है, गाजर घास होती है, ध्यान रखना है, गाजर घास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहां पर मैंने पूरा ही इस क्वेश्चन को यहां पर आपके सामने लिख दिया है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये थे आज की क्लास के शानदार जानदार क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग की प्रैक्टिस हुई होगी, जबरदस्त तरीके से आपने आंसर्स भी दिए हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, एक बार आप सभी लोग, क्लास अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो सभी अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊं, उम्मीद इसी की करते हैं। तो एक बार बता दीजिएगा कैसी लगी आज की क्लास आपको। तो लगता है सबको बहुत अच्छी क्लास लगी है, तो कल हम मिलेंगे इसी टाइम 7 से 8, अलार्म सेट कर लीजिएगा। क्लास में नए हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। तो मित्रों मिलते हैं कल की क्लास में 7 से 8, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।